नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो रहेगा सो so, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपसे थ्री स्टॉक्स यूट्यूब पर अपलोड करूंगा बट ज्यादातर लोग कह रहे थे कि थ्री स्टॉक्स नहीं आप फाइव स्टॉक्स अपलोड करिए एंड नेक्स्ट जो दो स्टॉक्स है मतलब आप टोटल सेवन स्टॉक्स के एनालिसिस करिए एंड पांच स्टॉक्स जो आप यहाँ डेली बताते हैं वो तो डेफिनेटली बताइए प्लस दो स्टॉक्स जो एक्स्ट्रा हैं वो आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं सो गाइस आप लोगों की बात सुन ली गई है पांच स्टॉक्स ही इधर बताए जाएंगे अलग से दो स्टॉक्स की एनालिसिस मैंने इंस्टाग्राम पे कर रखी है जहां पर आप जाके देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट डे कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं वहां पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं ओके okay? सो so, सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो दैट इज आयरिस लाइफ साइंस आयरिस लाइफ साइंस बाय करने की चल... बाय करने के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं आप देख सकते हैं जो ये अपर ट्रेंड लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन का काम का का कर रही थी बेसिकली सबसे पहले ये सपोर्ट का काम का 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 कर रही थी एज यू कैन सी इट हेयर देखिएगा फर्स्ट टाइम यहां पर हमें रेजिस्टेंस फीस होने को मिला था बट ही उसका ब्रेकआउट आया एक शार्प मूव हमें देखने को मिली ओके okay? यहां पर दोबारा एक बार सपोर्ट लिया सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया बट उसको जब इसने ब्रेक करा आफ्टर दैट वो एक राउंडिंग बॉटम बनाए देखिए पूरे टाइम कंसोलिडेट कंसॉलीडेट कराएं उसके बाद जाके इसने प्रीवियस वीक को अपना वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर दिया एंड आज की वीकली क्लोजिंग भी इसके ऊपर ये हमें देखने को मिली है सो यस चांसेस आर हाई कि एक अच्छा मूव दे सकता है सो लेट मी गो इन अ डेली टाइम फ्रेम एज वेल डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे देख सकते हैं कि एक अपमूव दी ठीक है उसके बाद एक फॉल एंड एक अपमूव और फिर एक रिट्रेसमेंट लिया और ये रिट्रेसमेंट एग्जैक्ट उसी लेवल पर है जिस लेवल से इसने बाउंस करा था ठीक है अब ऊपर जा रहे हैं अब आप देख सकते हैं एक चीज कि यहां पर मल्टीपल विक्स हमें देखने को मिल रहे हैं ठीक है बट इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली थी जिसकी क्लोजिंग हमें आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर यानी कि फ्राइडे को देखने को मिल गई थी सो डेफिनेटली वी कैन बाय दिस स्टॉक ये अच्छे प्रॉफिट हमें दे सकता है ओके नेक्स्ट स्टॉक इज एन इंडियन ये पर्टिकुलर स्टॉक भी आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है आप देख सकते हैं कि एक रेंज के अंदर यह ट्रेड कर रहा था एंड इस रेंज का इसने आज ब्रेकआउट दिया था ऑन फ्राइडे को और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक बड़ी कैंडल के साथ दिया था सो डेफिनेटली यहां पर एक अप मूव अभी भी स्टिल पेंडिंग है जो कि मुझे लगता है कि आ सकती है राइट नाउ दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट थ्री थर्टी अगर ये थ्री के ऊपर जाता है डेफिनेटली आई कैन बाय दिस स्टॉक ओके नेक्स्ट स्टॉक इज फिलिप कार्बन फिलिप कार्बन पे आप देख सकते हैं लेट मी जूम दिस पर्टिकुलर स्टॉक सो यू कैन सी इट क्लियरली सी एन एक अपमूव आई उसके बाद एक सिमिट्रिकल ट्रायंगल में चला गया एंड राइट नाउ इट्स वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड अ पेनेट पैटर्न स्पिन पैटर्न का ये ब्रेकआउट देने वाला है अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर यानी कि मंडे को ये ब्रेकआउट देता है डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय राइट नाउ स्टॉक ट्रेडिंग अटिस रुपीज यू कैन बाय दिसवन सेवनटी सिक्स पॉइंट सेवन और ऑन अ सेफर साइड यू कैन बाय अब वन सेवेंटी सेवन ओके स्टॉक इज एम्बर एम्बर भी बाय करने की सलाह दी जा रही है एम्बर एंटरप्राइजेस आप देख सकते हैं कि एक शार्प मूव उसके बाद एक रिट्रेसमेंट एंड यहां पर इसने डबल टॉप टाइप सिनारी बनाया उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा ये दोबारा नीचे आया एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन से फिर एक बाउंस करा एंड इट गेव अ ब्रेकआउट इसने एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया विद अ स्ट्रांग कैंडल एज वेल फिर यह रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है सो बेसिकली दैट रेजिस्टेंस बिकम दैट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ठीक है सो नाउ वी कैन बाय एट हेयर एनी टाइम इट केम ठीक है बट एक बार या दो बार आता है तभी बाय करेगा बिकॉज अगर मल्टीपल आता है तो, तो दैट लेवल बिकम वीक एंड इंपॉर्टेंट और इवेंचुअली इट कैन ब्रेक ऑल्सो लास्ट स्टॉक इज जिंदल स्टील जिंदल स्टील पे भी आप बेसिकली देख सकते हैं अ अप अपमूव एक अ शार्प रैली आई एंड अ रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर एक अपमूव आई प्रीवियस अपने हाई को ब्रेक करा फिर एक रीटेस्ट करा एग्जैक्ट एट दिस पॉइंट एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग एट इट्स हाई ठीक है सो so, अगर यहां पर एक ब्रेकआउट आता है डेफिनेटली so अच्छी रैली आ सकती है राइट नाउ दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट टू नाइनटी अगर ये 300 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर देता है 300 301 थ्री हम मान के चलते हैं बिकॉज थ्री को तो टेस्ट कर सकता है अगर थ्री को क्रॉस करता है डेफिनेटली वी कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल ओके सो लेट्स गो टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आप लोगों को दिखा देता हूं लेट मी जूम दिस आप देख सकते थे कि निफ्टी uh, एक राइजिंग विच पैटर्न के अंदर काम कर रही थी एंड सडनली इट गेव अ ब्रेकआउट ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ रीटेस्ट रीटेस्ट देने के बाद आप यहां देखिएगा कि ये सेकेंड टाइम इसने एक बार रीटेस्ट दिया ठीक है अपने प्रीवियस हाई पे इसने सपोर्ट लिया यू कैन सी इट हेयर देखिए इट गेव अ ब्रेकआउट इट गेव अ रीटेस्ट ट्रेंड लाइन पे ही रीटेस्ट लिया इस बात को ध्यान से समझेगा उसके बाद एक रैली अगेन स्टार्ट हुई अगेन इट फॉल डाउन अगेन उसने सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे भी एंड अपने रेजिस्टेंस पे भी जिस लेवल को इसने ब्रेक करा था सो so डेफिनेटली अब एक शार्प अपमूव दोबारा आ चुकी है यस yes, अगर यहां से एक फॉल आता भी है तो चांसेस आ रहा है कि यहां से एक बाउंस कर सकती है और इस पूरी अपमूव का ये 50 परसेंट ही होगा ठीक है सो राइट नाउ अब हमें कल की कैंडल का वेट करना अगर मंडे को एक ग्रेट कैंडल पर क्लोज देता है डेफिनेटली चांसेस आ रहा है कि वरना एक ये रेंज में चला जाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर एक हम छोटा सा रिट्रेसमेंट देख सकते हैं ठीक है वी विल नॉट दिस एज अ फॉल वी विल कंसिडर दिस एज अ रिट्रेसमेंट ओके सो चांसेस आ रहा है कि 14,300 तक तो आराम से आ सकता है अगर 14,300 नहीं आता आप अपने स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं एट अ हाई दैट इज 14,700 एंड आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे जैसे जैसे आपको 100 पॉइंट्स नीचे मिलते रहेगा ओके बैंक निफ्टी लेट मी शो यू बैंक निफ्टी एज वेल बैंक निफ्टी पे भी आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे लेट मी क्लियर द ड्रॉइंग्स या बैंक निफ्टी पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे एक शाप अपूफ एंड अ फॉल एंड इट गेव अ ब्रेकआउट इट गेव अ रीटेस्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट फिर उसके बाद एक अपूव आ रही है अगर ये अगेन फॉल देता है तो चांसेस आ रहा है कि इस लेवल तक आ सकता है ठीक है तो राइट नाउ बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट टू हंड्रेड एंड थर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी अगर ये बेसिकली थर्टी टू थाउजेंड वन नाइनटी को ब्रेक करता है तो चांसेस आ रहा है कि एक बार नीचे आ सकता है ओके सो गाइस अगर आप लोगों को इन फाइव स्टॉक्स के अलावा दो स्टॉक्स के बारे में और चाहिए कि मैं और दो स्टॉक्स कल मंडे को कौन से बाय कर सकता हूं डू चेक आर इंस्टाग्राम हैंडल एंड वहां पर आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलने वाले हैं आप लोगों की सारी क्वेरीज को सॉल्व करा जाएगा डेफिनेटली एंड वहां पर मैं थोड़े बहुत अपने प्रॉफिट्स भी शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ ठीक है सो प्लीज डू चेक दैट इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल एंड वहां पर आपको डेफिनेटली बहुत नॉलेज मिलेगी सो गाइज गुड बाय हम लोग मिलते हैं कल अगली अपनी वीडियो पर मैं शिवाज भसीन साइनिंग ऑफ